information technology wing of the central board of indirect taxes and customs cbic is leveraging technology to provide secure and seamless applications for customs processes तो दोस्तों ये है आइसगेट का होम पेज ये क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे इसके थ्रू करते हैं स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस वाले टैब से करते हैं तो अगर आप लोग किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों ने आइसगेट के बारे में जरूर सुना होगा और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आइसगेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं बताने वाला हूं कि आइसगेट क्या है किस चीज में काम आता है क्या आप लोगों को सच में इस में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपांकर और सभी देख रहे हैं स्केल पे जहां पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और हम लोगों ने अपना एक नया टेलीग्राम चैनल भी शुरू किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे अपडेट्स होते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाता तो उस चैनल के माध्यम से मैं ये सारे छोटे अपडेट्स आपके मोबाइल तक डायरेक्ट पहुंचाता हूं ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं और मेरी टीम इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है टेलीग्राम चैनल पर तो उस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है अब जाके उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए तो सबसे पहले आइस गेट की बात करता हूँ आइस गेट का जो फुल फॉर्म है वो है आपका, आपका इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे ये पार्ट है सीबीआईसी का विच इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडाक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स और इस टाइम पे आइस गेट पर अराउंड तिरालीस हज़ार पांच सौ बयालीस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और आइस गेटेटेट जो है अराउंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैक इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को सर्व करता है इसके अलावा आइस गेट पर इंटरनी लिंक बहुत सारे पार्टनरिंग एजेंसीज़ भी हैं जैसे कि आर बी आई हो गया डी जी एफ टी हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हो गया डायरेक्टर ऑफ वेल्यूशन हो गया इस तरह के अलग दूसरे बहुत सारे पार्टनरिंग एजेंसीज भी हैं जो आइस के साथ इंटरलिंक्ड है इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी आइस के साथ लिंक्ड हैं ट्रेडिंग पार्टनर का एग्जाम्पल दूँ तो ट्रेडिंग पार्टनर्स में आप लोगों का आते हैं इम्पोटर एक्सपोर्टर एयर लाइन शपंग लाइन शिपिंग लाइन हो गए आपके एयर कस्टोडियंस हो गए सी कस्टोडियंस हो गए आई हो गए बैंक्स हो गए डी जी एफ टी हो गया आर हो गया डी डी जी हो गया डायरेक्टर ऑफ वैल्यूशन हो गया या इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स में आते हैं इसके अलावा बहुत सारे लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ भी हैं जो आइस गेट के साथ इंटरलिंट है तो आइस गेट एक सेंट्रलाइज पोर्टल है कॉमन पोर्टल है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने ऑपरेशन होते हैं आइस गेट के थ्रू ही होते हैं और इस आइस गेट के थ्रू ही सारी जो दूसरी पार्टनरिंग एजेंसीज है जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है दूसरे लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके उनको डाटा ट्रांसमिट किया जाता है डाटा रिसीव किया जाता है उनसे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और बहुत ज़्यादा डिजिटल बनाता है आइस गेट वैसे तो आइस गेट बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करता है बट कुछ जो सर्विसेज हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे जो कॉमनली सुनेंगे आगे जाके अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो है वो वो है आपका बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग शिपिंग बिल फाइलिंग ई पेमेंट ड्यूटीज़ डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी आइस गेट पर होती है सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आइस गेट पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है कस्टम्स uh, uh, से रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वो सारा आइस गेट के थ्रू ही होता है ड्रॉबैक आइस गेट से ट्रैक आउट ट्रैक होता है आपका एयरलाइन मैनिफेस्टेशन वगैरह आइस गेट में ट्रैक होती है करेंट स्टेटस ऑफ द शिपमेंट आइस गेट में ट्रैक होता है ये कुछ बहुत कॉमन सर्विसेज हैं जो आइस गेट से लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर की बात करें चाहे एयरलाइन की बात करें चाहे शिपिंग लाइन्स की बात करें चाहे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स की बात करें चाहे कस्टम हाउस एजेंट की बात करें ये जो कुछ सर्विसेज़ मैंने बताई ये ऐसी सर्विस है जो ऑन ऑन अ रेगुलर बेसिस लोग ट्रैक करते हैं लोग यूज़ करते हैं इसके अलावा बहुत सारी ये और हैं जो कि ऑन ए रेगुलर बेसिस नहीं होती बट कभी कभार होती है जैसे कि आप लोगों का अकाउंट क्रिएट करना वो भी एस गेड के थ्रू होता है आपका रॉड टेप में स्क्रिप्ट क्रिएट करना वो भी एस गेट के थ्रू होता है आपका इंटीग्रेशन बहुत तरह के इंटीग्रेशन होते हैं आई सी जी एस टी के साथ इंटीग्रेशन वो सारा एस गेड के थ्रू होता है इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज जो एस गेड इस टाइम में प्रोवाइड करती है ये एक सेंट्रलाइज वेबसाइट है और जितनी कस्टम्स से रिलेटेड जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनपुट आपको देना होता है यानी देने वाली जितनी चीज़ें हैं अपलोड करने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी एस गेट के थ्रू होती हैं इसके अलावा कुछ मैं एस गेट से रिलेटेड और वेबसाइट्स की बात करूँ तो डी जी एफ टी हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड सी बी सी हो गया सेंटर बोर्ड ऑफ टैक्सेस एंड कस्टम्स ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं इसके अलावा बहुत सारी पार्टनरिंग एजेंसीज की बात करो जब भी आप कुछ आइटम इंपोर्ट करते हैं जैसे कि रिलेटेड टू तो हो गया तो वो बी आई एस के सिस्टम में डायरेक्ट पहुंच जाता है इस गेट के थ्रू और बी वालों को भी दिख जाता है कि एक पर्टिकुलर बंदा है जिसने ये आइटम इंपोर्ट किया है ये इस टाइम पर कस्टम में आया हुआ है और हमारी एन की जरूरत है तो ये सारी चीजें इंटरलिंट करता है आइस गेट बात आती है कि आइस गेट में आप लोगों को सच में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है कि नहीं है क्योंकि लोग कहते हैं कि आज आइस गेट में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है आपने एडी कोड के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी मैंने भी एक वीडियो बना रखी कि जो सबसे ज्यादा चलती है तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं कि एडी को किस तरह से रजिस्टर कराना होता है आइज uh, गेट में किस तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं देखिए इस टाइम पे बेसिकली आइज गेट में दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं एक होता है डी एक होता है डीएससी के थ्रू एक होता है बिना डीएससी देस्ट्रेक के बिना डीएससी वाला जो होता है उसे कहते हैं सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन और मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन इस टाइम पर करना बहुत ज्यादा वैल्यूब नहीं है क्योंकि आगे जाके कुछ टाइम में जो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है ना ये किसी काम का नहीं रहने वाला क्योंकि डीएससी वाला रजिस्ट्रेशन जो है वही आगे जाके काम आने वाला है अब क्या है कि रिसेंटली एक नया सर्कुलर भी आया था पिछले साल जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हर साल अपने आईसी को अपडेट करने की जरूरत है डीजीएफटी में जाके और डीजीएफटी में जब जाके आप लोग आईसी को अपडेट करेंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को डी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है वैसे तो आप वहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू भी कर कर सकते हैं बट मुझे लगता है कि डी को मैंडेटरी कर देंगे क्योंकि डी वाला जो प्रोसेस है वो वन एकदम बहुत ईजी प्रोसेस है और जो आधार कार्ड वाला प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लंबा है और आगे जाके जब बहुत सारे डी यूजर्स हो जाएंगे तो आधार कार्ड वाला जो पार्ट है वो हट ही जाएगा तो डी उसमें भी काम आने वाला है आप लोगों के हर साल आपको जो आई सी अपडेट करना है उसके लिए भी उसके अलावा जब आप एडी कोड रजिस्ट्रेशन करते हैं अगर मेरे थ्रू नहीं कर रहे ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें भी आपका डी काम आने वाला है कोई डॉक्यूमेंट्स आप साइन करते हैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं कोई आपका फाइन पेनल्टी जमा करते हैं कोई भी आप लोगों का इनपुट देना होता है आप लोगों को कस्टम्स को कोई क्वेरी रिप्लाई होता है वो सारा का सारा डी के थ्रू होता है तो इस टाइम पर जो पहला वाला जो डी के थ्रू जो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट होता है इस गेट में वो इस टाइम पर मेरे को लगता है कि सब लोगों को क्रिएट करना चाहिए सिम्प्लीफाइड रजिस्ट्रेशन आगे जाके किसी काम का नहीं रहने वाला तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है आइस गेट से रिलेटेड जो कि आइस गेट अगर आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में पार्ट लेना चाहते हैं या ले रहे हैं या आप लोगों ने सुना होगा कि आइस गेट करके एक वेबसाइट है कस्टम्स में आइस गेट के बारे में आप लोगों को आइस गेट की साइट पर ले जाकर एक लाइव डेमो भी देने वाला हूँ कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है इस टाइम पर आइस गेट पर किस तरीके से कौन सी चीज़ें आप लोगों को काम आने वाली है कौन सी आपकी काम की चीज़ें कौन सा हम एज़ अ सी एच ए काम में लेके आते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ लाइफ की किस तरीके से आइस गेट पर चीज़ें काम करती हैं तो दोस्तों ये है आइस गेट का होम पेज आप लोग जैसे कि देख सकते हैं आइस गेट डॉट जी ओ वी इन इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ तो देखिए होम पेज खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है और नीचे जो टैब्स हैं इनके इनका थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी देखिए सबसे पहला जो टैप है ये, ये यूज़र लॉग इन साइनअप वाला टैप है जो मैंने आप लोगों को बताया कि डी के थ्रू जो साइनअप करते हैं जो लॉग इन क्रिएट करते हैं आई क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर इसके थ्रू करते हैं ये सारे कुछ लॉगिनस क्रिएट हो रखी हैं पहले से ही तो ये लॉगिन यहाँ से क्रिएट करते हैं पब्लिक इंक्वायरीज़ का जो है हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम एज़ अ सी और जिनको पता है वो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ये सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं कहीं के डॉक्यूमेंट चलान इंक्वायरी डॉक्यूमेंट स्टेटस का डीजीएफ टी बिल का ये आपके आर बी आई से रिलेटेड है वेयर हाउस कोड एंट्री वगैरह ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसके अलावा ई स्क्रिप्ट देखिए ये जो अभी रिसेंटली रॉड टेप स्क्रिप्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दो हजार बीस में जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा उसका जो स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं और उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस वाले टैप से करते हैं एक अलग से बिल्कुल सेपरेट टैप दे रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला स्कीम है एक्सपोर्ट के मामले में वो रॉड टेप ही है डॉटे पे रहने वाला है क्योंकि एम को इसने रिप्लेस कर दिया और एम सबसे ज़्यादा यूज़ होता था उसके अलावा आई जी एस टी सी जी एस टी इंटीग्रेशन जब आई सी जी एस टी आप लोगों का इंटरचे आप लोगों का आपस में लिंक नहीं होता है तो यहाँ के थ्रू आप लोग कर सकते हैं इससे पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था इसके थ्रू आपका एक दिन में काम हो जाता है देखिए ई पेमेंट जितनी कस्टम्स ड्यूटी पेमेंट होती है वो सारी इस वाले टैप से होती है इस टैप पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से खुल जाता है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि एस है कि बिल ऑफ़ एंट्री है कि शिपिंग बिल है और आई कोड डाल के लोकेशन सेंड लोकेशन वगैरह चेक करके आप लोगों का बैंक अगर रजिस्टर्ड है तो वहाँ से जाके आप लोग वो कर सकते हैं ड्यूटी पेमेंट कर सकते हैं ये ए सी का है ये ई e संचित जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होता है तो यहाँ से होता है ये अब दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए है आपका ये शिपिंग लाइन का आप लोगों को दिख रहा है किसी मैनिफेस्टेशन का जो सारा पार्ट है शिपिंग लाइन इसको ज़्यादा यूज़ करती है सिम्प्लीफाइड रजिस्ट्रेशन मैंने आप लोगों को बताया वो यहाँ से होता है आप लोगों को आई डालना है जी डालना है कैप्चर डालना है आप लोगों को ओ वगैरह आता है उससे हो जाता है बहुत ईजीली हो जाता है आप लोग छोटे मोटे काम सिम्प्लीफाइड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ई संचित मैंने आप डिजिटल uh, सिग्नेचर जब आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्ट्रेशन करना होता है एस गेट पर उसको यहाँ से करना होता है कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना होता है तब भी यहीं से इसी टैब के थ्रू करना होता है कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर का एक पार्ट है यहाँ पे इसके अंदर भी दो तीन चीज़ें हैं उसका यूज़ मैंने आप लोगों को दूसरे वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी कि कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर से जो है आप लोग कस्टम ड्यूटी और कंप्लाइंस आपके उसमें क्या है वो चेक कर सकते हैं इसके अलावा आई जी एस टी वैलिडेशन इंक्वायरी है जीएसटी की वैलिडिटी वैलिडेशन वगैरह चेक करने के लिए जी का रिफंड वगैरह चेक करने के लिए वो यहाँ से होता है आई अगर आप लोगों को अपनी अपना कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है आपकी आप लोगों ने कोई आपका प्रोडक्ट जो है आपके नाम से जो आपकी कंपनी का जो नाम है उस प्रोडक्ट उस कंपनी के नाम से कोई बाहर से प्रोडक्ट इम्पोर्ट ना कर पाए तो आप यहाँ से आई यानी इंटलेक्चुल प्रॉपर्टी राइट्स को रजिस्टर कर सकते हैं इसके अलावा एक्सचेंज नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाता है कंप्लाइंस आप लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो कंप्लाइंस होता है जैसे कि इसमें बी चाहिए कि किसी तरह का को कोई सर्टिफिकेशन चाहिए आप लोगों को किसी और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो हो गया आपका एनिमल क्वारंटाइन हो गया प्लांटन क्वारंटाइन हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो गए आपके वायरलेस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट हो गया इस तरह का कोई आप लोगों को सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसकी इनफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू था जो मेजर टैब्स हैं यहाँ पे क्या कहते हैं आइस गेट में इसके इसके अलावा थोड़े बहुत ऑप्शनस यहाँ ऊपर भी होते हैं ये बट ये मोस्टली आप लोगों के ट्यूटोरियल्स वगैरह और दूसरी वेबसाइट्स के लिंक है जो इन लोगों के साथ आपस में इंटरलिंट हैं जो मैंने आप लोगों को बताया सी बी आई सी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटायरेक्ट टैक्सेस हो गया एस गेट हो गया आई सी एस हो गया यानी जो ये सारा सिस्टम कंट्रोल करता है डी जी सिस्टम्स जो इन लोगों का आई टी डिपार्टमेंट है सारा ये सिटीजन ये सिंगल विंडो वगैरह है ये सारी चीज़ें हैं इसके अलावा जो मेन चीज़ें लोग यूज़ करते हैं वो यही सारे टैब्स हैं जिसमें कि रजिस्ट्रेशन ड्यूटी पेमेंट हम सी शिपिंग बिल्स और बिल ऑफ एंट्री को ट्रैक करने के लिए होता है ये सारी चीज़ें यहीं से होती हैं तो ये था पूरा वीडियो आइस गेट के ऊपर मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी कि आइस गेट क्या होता है किस तरीके से काम करता है कौन कौन एक पार्टनरिंग एजेंसीज़ होती हैं कौन ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं इसके अंदर कौन कौन से अथॉरिटीज़ आपस में लिंक है आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा कोई भी कंफ्यूज तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कस्टम्स रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ तो मिलता है किसी अगले वीडियो में किसी नए इंपोर्ट एक्सपोर्ट टॉपिक के साथ किसी नए कंप्लाइंस या कस्टम्स के रिलेटेड टॉपिक्स के साथ तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों